हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो व्यापम के द्वारा सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन रिपीट किए गए, वो क्वेश्चन हम इस स्टूडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं आप सभी को वीडियो नहीं दे पाया। उसका कारण आप सभी को पता ही है, और कुछ लोगों को अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें काफ़ी हालत मेरी ख़राब हो गई थी। उसके कारण मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाया था, बट अब आपको रेगुलर वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। रेगुलर आपको यहाँ पे 1 से 2 वीडियो यहाँ पे डेली आपको जो कि मिल जाएंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही आपको वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। और काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप जो कि सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर लेके आइए। तो देखिए, अभी करंट अफेयर जो कि हमने बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है, बाकी उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करना बाकी है। तो आपको ये जो वीडियोज़ है करंट अफेयर का, वो कल या परसों 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए उसकी, 1 या 2 दिन में वो वीडियो आपको बिल्कुल मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉप एमसीक्यूज लगाएंगे, जिसके बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा टोटल। और यहाँ पे व्यापम के द्वारा मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीट किए गए, वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। अब देखिए, गोटमार मेले की यहाँ पे बात की जा रही है, और ये क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। एमपीपीएससी की बात कर लीजिए, एमपी कांस्टेबल या एमपी की कोई से भी आप एग्जाम की बात कर लीजिए, सभी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि मेले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें गोटमार मेले से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए, गोटमार मेले की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये रहे आपके ऑप्शन, आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे यदि आपको पता है तो। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, छिंदवाड़ा। बिल्कुल, गोटमार का जो मेला लगता है वो आपका छिंदवाड़ा जिले में लगता है। तो ये आप सबको याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए, इन जो मेले जो क्वेश्चन है आपके जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे, जिससे आप इसको आसानी से याद रख पाए और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता चल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है। अब देखिए, किस जिले से नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको, ताकि क्वेश्चन पढ़ने में कोई गलती ना हो। अब नहीं अगर पूछा गया किस जिले से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका मंदसौर। मंदसौर जिले से नहीं गुजरती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के। ये आप सभी को याद रखना है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए, टोटल अगर बात करें मध्य प्रदेश के, 14 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये आप सभी को याद रखना है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। और ट्रिक भी एक है, इसकी स्पेशल ट्रिक है, जो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ट्रिक का वीडियो भी लेकर आइए, तो बिल्कुल ट्रिक का वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए कर्क रेखा से रिलेटेड। अब देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, ये आपसे वो बताइए, जबकि मंदसौर जिला जो है आपका उत्तर प्रदेश की सीमा में है, यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसके समीप है आपका मंदसौर जिला, और ये कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। तो आप आसानी से इसको क्लिक कर पाएंगे, यदि आप मैप के हिसाब से भी देखेंगे तो मैप अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसका राइट आंसर क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले, यदि आप एमपी पुलिस एमपीएसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें आप अपना जो स्कोर है अच्छा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिए। परीक्षा आपको डाउनलोड करना होगा, वहाँ पर आप हमारे कूपन कोड ROYJGOV40 को यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको 40% का पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा टेस्ट सीरीज परचेस करने पर। तो इन कूपन कोड को यूज करके टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हरदोल की मनोती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है। अब देखिए, हरदोल की मनोती की अगर बात की जाए, तो ये रहे आपके ऑप्शन, और यहाँ पे ये जो है आपका निमाड़, जो बुंदेलखंड जो एरिया है, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये आपका ऑप्शन रहे। अब इनमें से जो कि बुंदेलखंड का जो एरिया है, ये आपका हरदोल की मनोती के लिए क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका बुंदेलखंड बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं। अब देखिए, स्टेशन की बात की जा रही है, ऑल इंडिया स्टेशन की, रेडियो स्टेशन की अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे टोटल आपके 5 रेडियो स्टेशन हैं। अब कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के 5 स्टेशन हैं, जो कि आपका भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, ये 5 जो स्टेशन है आपके ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है मध्य प्रदेश में, इनको भी आपको याद रखना है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की जो शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के इंदौर से हुई थी, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। मध्य प्रदेश सरकार की यहाँ पे बात की जा रही है, और जल विद्युत परियोजना की बात यहाँ पे की जा रही है। अब सबसे पुरानी जो जल विद्युत परियोजना है वो है आपके बनसागर, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है।
अब देखिए गांधी सागर जो परियोजना स्टार्ट की गई थी 1960 से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर बन सागर जो है 1991 से स्टार्ट हुई थी। अगर बात की जाए इंदिरा सागर परियोजना की तो 2005 में और रानी अवंती बाई सागर 1988 में स्टार्ट की गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है मध्य प्रदेश की वो है आपकी बन सागर जो कि 1991 में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है। सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए ऑप्शन ये रहे आपके आसानी से क्लिक कर पाएंगे, इसमें भी आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बन सागर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए बन सागर परियोजना जो है सोन नदी पर है और ये शहडोल जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है और डीपली भी क्वेश्चन आपसे आपके निकल कर आते हैं। बन सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है और शहडोल जिले में है। अब इसे जो पहले जाना जाता था वो डिम्बा परियोजना के नाम से जाना जाता था, यानी डिम्बा परियोजना इसको पहले कहा जाता था, अब इसको जो कि आपका बन सागर जो कि परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार ने साझा हस्ताक्षर इसमें किए हैं और इसमें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार का जो रेशियो है खर्चा जो वहन करने का वो 2:1 का है, तो ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सबलगढ़ का जो किला है ये भी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और ये आपका मुरैना में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सबलगढ़ का जो किला है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। ओके सबलगढ़ आपको याद रखना है मुरैना जिले में हो और इसे करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनाया था। अब देखिए कहाँ के राजा ने बनाया था, तो करौली के जो राजा थे गोपाल सिंह उन्होंने इसको बनाया था सबलगढ़ का किला। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछा जाए कि इस किले को किसने बनाया था, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को इसका राइट आंसर पता भी होगा। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। अगला क्वेश्चन है लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए लाला हरदौल की जो कहानी जो आपका कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है ये है आपकी ओरछा से संबंधित है, ओरछा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के ओरछा जिले से है, ओरछा मध्य प्रदेश के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओके तो ना यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि मंदिरों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ओरछा आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? कछवाहा राज जैसे कि यहाँ पे आपका एक फैक्ट और क्लियर हो जाता है कि जो सिहोनिया जो राजधानी किसकी राजधानी थी, तो कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी। अब ये किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के, तो ये आपका मुरैना जिले में स्थित है, ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है मुरैना, जो कि सिहोनिया जो है आपका मुरैना में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। वहाँ पे जो है कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी, सिहोनिया कछवाहा राजधानी की राजधानी थी जैसा कि आपको पता चल ही चुका है, और ये जो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। कछवाहा जो वंश की जो स्थापना 1115 से 1135 तक राज्य करने वाले राजा कृतिराज ने की थी। अब देखिए कछवाहा जो वंश की स्थापना की थी वो कृतिराज ने की थी और यहाँ पे इन्होंने जो कि 1115 से 1135 तक राज्य किया था, तभी इन्होंने कृतिराज राजा जो वहाँ के थे उन्होंने कछवाहा वंश की स्थापना की थी मुरैना में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आई होप के आपको पता भी होगा इसका आंसर, पीतमपुर ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, इसको डेट्रॉइट कहा जाता है मध्य प्रदेश का। और यहाँ पे देखिए अगर बात की जाए आगे तो मध्य प्रदेश का जो डेट्रॉइट है पीतमपुर को कहा जाता है और भारत की अगर बात की जाए तो वो चेन्नई को कहा जाता है। अब देखिए पीतमपुर में जो कि अनेक मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योग है और यहाँ पे इसीलिए इसको पीतमपुर को जो कि भारत मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। पीतमपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और इसको डेट्रॉइट भी कहा जाता है। 2-3 फैक्ट आप एक्स्ट्रा याद रख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी निकल कर आए डीपली तो आप बिल्कुल आसानी से उसका राइट आंसर क्लिक कर पाए। अगला क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? अब ये जो की थी वो की थी कैलाश सत्यार्थी ने, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 1980 में जो कि यहाँ पे इन्होंने इसकी शुरुआत की थी बचपन बचाओ आंदोलन की। अब इसके लिए इन्हें जो कि आपका बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल विकास एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो कि उन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये भी आपको पूछा जाता है कि इन्हें जो कि नोबल पुरस्कार कब दिया गया? 2014 में दिया गया। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किन के साथ में इन्हें नोबल पुरस्कार मिला, तो मलाला यूसुफजई के साथ में इन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया।
ये एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना जरूरी होते हैं ताकि आपके एग्जाम में ऐसे डीपली अगर इनसे रिलेटेड भी पूछा जाए तो आप आसानी से उसको क्लिक कर पाएं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में IIT और IIM किस शहर में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन, और आयुब के आपको भी पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। मध्य प्रदेश में IIT और IIM दोनों जो है आपके ओनली इंदौर में है, तो इंदौर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर देखिए IIT जो होता है भारतीय उद्योग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होता है, और IIM जो होता है भारतीय प्रबंधन संस्थान होता है जो कि इंदौर में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये आपका भोपाल में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एक प्रतिष्ठित संस्था है जो मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जैसा कि आपको बता चुके हैं। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और ये भी रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। और यहाँ से देखिए जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे ये दोनों भी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, यानी यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये भी रिपीट हो चुके हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके लिए है। मध्य प्रदेश में टोटल आपके 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब फर्स्ट टाइम हम बात करें डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में स्थित है, इससे भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति जो विश्वविद्यालय हैं इससे भी आपका क्वेश्चन बन चुका है जो कि अनूपपुर में है। तो दोनों को आप याद रखिए, दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश के। फर्स्ट है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, और दूसरा है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति या ट्राइबल विश्वविद्यालय जो कि अनूपपुर अमरकंटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? अब ये जो है आपका कहाँ पर है, ये आपका भोपाल में जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, आप सभी को पता भी होगा। अब देखिए ये जो संग्रहालय है भोपाल में, जैसा कि आपको पता चली चुका है, और ये मानव विकास पर आधारित है। इसका ये किस पर आधारित है ये पूछा जाए तो यहाँ पर आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे, मानव विकास पर आधारित ये संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन है, भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? अब भरतारी जो लोकगीत है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का है। ओके, मालवा क्षेत्र आप याद रखिए, भरतारी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। आलाखंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का है? तो आलाखंड जो लोकगीत है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है, और ये आलाखंड जो है जगनिक द्वारा रचित परमार रासों का हिस्सा है। इसमें आला उदल का वर्णन भी है, तो आला जो है नाम से ही क्लियर है, आला तो आला उदल का इसमें वर्णन है, इसलिए आलाखंड इसका नाम रखा गया है, ऐसा भी आप मान सकते हैं। आसानी से क्लिक कर पाएंगे, और बुंदेलखंड आप जरूर याद रख लीजिए, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उससे ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? हम जो कि आप मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है ये आपको पूछा गया, बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना होगा। तो अमजद अली खान जो है आपका क्या बजाते थे ये आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐसे मिले हुए इसलिए आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोद वादक। अमजद अली जो थे वो सरोद वादक थे जो कि मध्य प्रदेश से थे, ये आप आसानी से क्लिक कर लीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए क्वेश्चन को, आसानी से आप क्लिक कर पाएंगे। अमजद अली खान मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे और भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक थे। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में जो कि आंसर भी मिल गया और यहाँ पे पूरा आपका डाउट भी क्लियर हो चुका है। ये ग्वालियर से थे और यहाँ पे देखिए सरोद वादक थे, उनका जन्म जो हुआ था 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराना घराने में से एक है, यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्वालियर घराने की अगर बात की जाए सबसे पुराना जो कि है यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है, और यह शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है ग्वालियर घराना वो आपका ख्याल से है, ख्याल आप याद रखिए ख्याल थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे गए, ध्रुपद, तराना ठुमरी और ख्याल, इन तीन चारों से जो क्वेश्चन है आपके रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए ग्वालियर जो घराना है वो ख्याल नामक जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, और इससे इसके सबसे प्रसिद्ध कवि तानसेन जो ग्वालियर शहर से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? सचिन तेंदुलकर की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इन्होंने जो लगाया था दोहरा शतक वो लगाया था आपका कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि ग्वालियर में स्थित है, इसमें लगाया था इन्होंने दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम पे लगाया था? तो ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पे लगाया था, ग्वालियर में स्थित है जैसा कि बता चुके हैं। यहाँ जो है फरवरी 2010 में लगाया था आपका, ओके, तो नाम आपको याद रखना है, और यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कब लगाया था, तो फरवरी 2010 में किसके खिलाफ लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था, दोहरा शतक लगाया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये विश्व का पहला दोहरा शतक इन्होंने लगाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तानसेन की समाधि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये ग्वालियर में स्थित है, आपकी याद रखिए, ग्वालियर में तानसेन की समाधि है और इसे अकबर ने 1586 में बनवाया था, तो ये भी आप सन भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है या फिर किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। हिंगलाजगढ़ का जो किला है मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये आपका मंदसौर में है, आप याद रखिए हिंगलाजगढ़। और 2017 कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये रिपीट हो चुका है आपका जो क्वेश्चन है, और बाद में भी आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसलिए आप ये जो क्वेश्चन है इनको मैं बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद रख लीजिए, इनको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंगलाजगढ़ का जो किला है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुर तहसील में नवल गांव के पास है, तो इतना भी आप याद रखना नहीं है, बट आप थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इतने से याद रख लीजिए। एक्स्ट्रा फैक्ट इसीलिए आपको बता देता है कि आपको पूरी डिटेल में याद रहे, कहीं से भी क्वेश्चन अगर उठा लिया जाए तो आप आसानी से उसका राइट आंसर कर पाएँ। अब इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है, जो क्षत्रियों की कुलदेवी है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, इसकी हिंगलाजगढ़ जो किला है इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो हिंगलाज माता के नाम पर इनका नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है, जो कि प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनता है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए चंबल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप ये जो नदी है आपकी जो कि मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जानी जाती है, जो पर्यावरणीय आपदों का कारण बनता है। अब देखिए चंबल नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है, जो कि पर्यावरणीय आपदों का कारण बनता है, तो ये भी आप याद रखिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, बिना आयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बिना आयल जो रिफाइनरी है मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका राइट आंसर क्लिक करके बताना है कमेंट बॉक्स में, भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिले हुए हैं, इनमें से आपको क्लिक करना है किस जनजाति से संबंधित है भगोरिया नृत्य, तो जल्दी से जाइए कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।